हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे मंगलायतन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में और इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, इस यूनिवर्सिटी के पास में नेक ए प्लस का ग्रेड है, साथ साथ के यूपी की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको ऑनलाइन कोर्सेज करवाने का भी अप्रूवल है DEB की तरफ से, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से, और डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज करवाने का भी अप्रूवल है। लास्ट वीडियो हमने बनाया था इसके डिस्टेंस लर्निंग के फी स्ट्रक्चर के बारे में, और आज का हमारा वीडियो रहेगा मंगलायतन ऑनलाइन के फी स्ट्रक्चर के बारे में। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों, मंगलायतन ऑनलाइन में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है, चाहे ये उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, आप देश भर के किसी भी कोने में हैं, इवन आप इंडिया से बाहर भी हैं, फॉरनर स्टूडेंट्स भी हैं, तो भी आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी अपनी क्लासेस के लिए नहीं जाना है, ना ही आपको एग्ज़ाम्स के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, आपको मार्कशीट भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं मंगलायतन ऑनलाइन के फी स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, मंगलायतन यूनिवर्सिटी BBA का कोर्स करवाती है। BBA के कोर्स की कंप्लीट फीस अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो 64,000 है, और अगर आप ईयरली पे करते हैं तो 22,000 पर ईयर के हिसाब से यूनिवर्सिटी आपसे चार्ज करती है। काफ़ी रीजनेबल फीस है। फॉरनर स्टूडेंट्स की फ़ीस को भी साथ साथ दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी BCA का कोर्स करवाती है। BCA कोर्स अगर आप करते हैं तो 3 साल का कोर्स है, 24,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से चार्ज करती है। अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो 70,000 रुपीज़ इसकी वन टाइम फीस है पूरे कोर्स की। बात करते हैं BA प्रोग्राम की, तो BA प्रोग्राम काफ़ी रीजनेबल है, 11,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से यूनिवर्सिटी इस कोर्स का चार्ज करती है। फॉरनर स्टूडेंट्स की फ़ीस भी यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। बात करते हैं MA इन इंग्लिश की, तो 19,000 पर ईयर के हिसाब से यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। बात करते हैं MA इन पॉलिटिकल साइंस की, तो सेम फीस है, 19,000 पर ईयर के हिसाब से यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। बात करते हैं MA इन एजुकेशन की, तो सेम फीस है, 19,000 रुपीज़ पर ईयर फॉरनर स्टूडेंट्स की फ़ीस साथ साथ दी हुई है। बात करते हैं MA इन पब्लिक एड की, तो भी सेम फीस है, 19,000 रुपीज़ पर ईयर स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी का मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम MBA। अगर आप MBA ऑनलाइन मोड से करते हैं तो 34,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। एग्ज़ाम्स आपके सेमेस्टर मोड में होते हैं। MBA का प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, बहुत से स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं MBA ऑनलाइन के अंदर, बिकॉज काफ़ी रीजनेबल फीस है MBA ऑनलाइन के अंदर। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से MCOM का कोर्स करते हैं तो MCOM के कोर्स की फ़ीस 21,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। बात करते हैं MCA कोर्स की, MCA कोर्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, बिकॉज स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी में MCA कोर्स नहीं है, पहले था। आसपास की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो MCA ऑनलाइन मोड में हर यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, और MCA की फ़ीस है 34,000 रुपीज़ पर ईयर। अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो 67,000 रुपीज़ में आपको MCA का कोर्स पड़ता है। अब बात करते हैं MSc मैथमेटिक्स की। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आप MSc मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ईयरली फीस इसकी 28,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से है। अगर आपको MA मैथ करना है तो ये स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है, अगर आप MA की तरफ जा रहे हैं। MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की जो फीस है, टोटल आपको पड़ेगी 38,000 रुपीज़ अगर आप ईयरली मोड पे करते हैं, 19,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से, वन टाइम पे करते हैं तो 37,000 रुपीज़ फीस है। तो ये है दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर। इन सभी कोर्सेज को UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है, UGC और DEB दोनों का अप्रूवल है इन कोर्सेज को। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्टली DEB की वेबसाइट पर जाकर इन अप्रूवल्स को चेक कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।